ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर करते हैं, जहां विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एनपीएस और ईपीएस के खिलाफ अटेवा पेंशन बचाओ मैच के बैनर तले किया प्रदर्शन। रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। बता दें कि एनपीएस और यूपीएस के विरोध में गुरुवार को विभिन्न विभाग के कर्मचारी अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले कंपनी गार्डन में जुटे। यहां राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। यहां से एक रैली की शक्ल में मार्च करते हुए कर्मचारी LIC कार्यालय, मीरा भवन चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, जिलाधिकारी आवास, सिंचाई विभाग, दीवानी न्यायालय, PWD कार्यालय, ट्रेजरी चौराहा, गाजी चौराहा, राजापाल चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DM कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि NPS और EPS के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। मार्च में CP राव, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, विनय प्रताप सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला की खबर की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे बिष्णुपुर कला गांव, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। दरअसल रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बिष्णुपुर कला गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन और PDA जनपंचायत कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सभी लोगों को समान अधिकार मिलना संभव नहीं है। PDA के सभी लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, जिससे विकास का पहिया तेजी गति से बढ़ सके। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर SP सिंह पटेल और विधायक डॉक्टर RK वर्मा के अलावा MLC मान सिंह समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां UP में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर को लेकर कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि अपराधियों का यदि रियल एनकाउंटर होगा तो सवाल नहीं उठेगा, लेकिन भरोसे का एनकाउंटर हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने आगे लिखा है कि रामराज्य की पहली शर्त है कि जनता का विश्वास ना डिगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर को लेकर जहाँ एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है और सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने भी अब एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि सुल्तानपुर जिले में हुई 2 करोड़ से अधिक की लूट मामले में जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने यक्ष पर लिखा था कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है। इसके बाद इसी प्रकरण में जब अनु सिंह अमेठी जिले के रहने वाले थे उनका इनकाउंटर हुआ तो अब राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यक्ष पर एक पोस्ट डाला है जिसमें साफ लिखा है कि यदि एनकाउंटर सही होगा तो सवाल नहीं खड़े होंगे, लेकिन रियल एनकाउंटर नहीं होता तो सवाल खड़े होना लाजमी है। उन्होंने योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में कही जाने वाली राम राज्य पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह कैसा राम राज्य जहां इस तरीके की तमाम घटनाएं होती हैं और महिलाओं की भी सुनी नहीं जाती। हालांकि भानवी कुमारी के इस एक्स पर किए गए पोस्ट से राजा भैया या फिर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से राजा भैया और भानवी कुमारी के बीच संबंध मधुर नहीं है और उनका मामला साकेत यानी नई दिल्ली की एक कोर्ट में भी चल रहा है। तलाक जैसे तमाम सारे सुर्खियां आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का चर्चा बनी हुई है, तो वहीं एक बार फिर से जब भानवी कुमारी सिंह ने इस तरीके का एक्स पर पोस्ट किया और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वह सब न सिर्फ अखिलेश यादव यानी विपक्ष को बल्कि अन्य लोगों को भी निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म संप्रदाय देखकर किसी का इनकाउंटर नहीं होता, बल्कि जो अपराधी हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनका इनकाउंटर होता है और आगे भी होता रहेगा। बता दें कि सितंबर माह की यदि बात की जाए तो सितंबर माह में सुल्तानपुर लूट कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने अब तक मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें मंगेश यादव के अलावा अनुज प्रताप सिंह है और इस मामले में कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक अपराधी प्रतापगढ़ जिले का भी रहने वाला है। अभी तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं UPSTF के UP हेड प्रभारी
जो है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यदि जाति धर्म संप्रदाय देखकर एनकाउंटर होगा या अपराध होगा तो अक्षम्य होगा। उन्होंने साफ निर्देशित किया है कि किसी भी जाति धर्म को देखकर इस तरीके की कोई कार्यशैली पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। बता दें कि आए दिन जाति धर्म और मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जब योगी सरकार शिकंजा कसती है तो विपक्ष के लोग हमलावर होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर से राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह का जो एक्स पर पोस्ट आया उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि सितंबर माह की बात की जाए तो आरपीएफ के दो सिपाहियों की हत्या करने वाले शातिर दुर्दांत अपराधियों को भी इस महीने में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तो वहीं सुल्तानपुर जो लूटकांड हुई है उसमें भी पुलिस ने दो लोगों को मार गिराया, जबकि एनकाउंटर के दौरान दो लोगों को गोली लगी है और उनका आज भी उपचार चल रहा है। यूपी पुलिस ने साफ बता दिया है कि यदि कोई उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाता, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी होता है और अपराध मुक्त करना न सिर्फ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक हिस्सा है बल्कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार मुठभेड़ करके ऐसे अपराधियों को मार गिराती है जो कहीं ना कहीं संज्ञेय अपराधों में शामिल होते हैं। इसी का नतीजा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में अनुज सिंह की जो मुठभेड़ में मार गिराया गया है वह 208वां इनकाउंटर है जिसमें 208 अपराधियों को अब तक पुलिस ने मार गिराया है, जबकि तमाम ऐसे इनकाउंटर हैं जिसमें अपराधियों को गोली लगी है और आज भी वह लंगड़ा कर चलते हैं। इसीलिए इस मुठभेड़ का नाम मिशन लंगड़ा भी दिया गया है और उत्तर प्रदेश यानी योगी का जो बुलडोजर मॉडल है उसके बाद लंगड़ा मॉडल भी पूरे देश में प्रसिद्ध है।